Hey, Ineos. हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। तो आज हम 250 स्क्वाट अटेम्प्ट करने वाले हैं। बहुत टाइम से सोच रखा था कि 250 का जो मार्जिन है वो क्रॉस करना है। देखते हैं कैसा जाता है। नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं और यही लाइफ को एंजॉयबल बनाती है। नर्वसनेस, एक्साइटमेंट, गूज़बम्प्स, तो यही लिफ्टिंग है। लिफ्टिंग में सब एक्सपीरियंस हो जाता है, खुशी, दुखी, हर एक पल, टीम वर्क, दोस्ती। सो लेट्स गो एंड लिव द मोमेंट फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स एंड लेट्स एंजॉय। सो स्क्वाट्स इज वन लिफ्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत थी आफ्टर जूनियर का जो नेशनल था मेरा, क्योंकि मेरा जो स्क्वाट मैंने मारा था 240 किलो मारा था। और जब मुझे लगा कि अब सीनियर खेलना है, मैंने स्क्वाट देखा, मैंने देखा फर्स्ट 267 एंड देन 260 एंड देन 260 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। मैंने बोला 240 मतलब फर्स्ट आने के लिए 30 किलो ऑलमोस्ट बढ़ाना है 4-5 महीने में। क्रेजी हो गया ना, उसके बाद नी इंजरी, मतलब पेन जो था वो भी। बट अगर आज 250 आता है तो अपन 270 का एम कर सकते हैं, अगर 250 वेरी कंफर्टेबली आता है। क्योंकि पावरलिफ्टिंग में एक चीज़ होती है पीकिंग। ये मैं बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कर करके मार रहा हूँ, अभी मेरे रेस्ट डेज नहीं हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं आराम से पीकिंग करके रेस्ट डेज लेके मारूंगा तो और थोड़ा वेट आएगा। तो बट ये अभी बस मेरे को 250, मैंने सोचा था जुलाई में 250 गारंटी करूंगा, अगस्त में 260 गारंटी करूंगा एंड सितंबर एंड तक 270 गारंटी करूंगा। अभी जुलाई आज 26 तारीख है, बस 250 गारंटी कर रहा हूँ एंड 26 या 27 अगस्त, 28 अगस्त बर्थडे है, उस दिन तक 260 गारंटी करूंगा। लेट्स गो, हर महीने 10-10 किलो स्क्वाट बढ़ानी है। सो इट विल बी अ वेरी बिग चैलेंज, बट प्रेशर है तो काम तो करना पड़ेगा। लेट्स गो। ऑल्सो पावर लिफ्टिंग इज एन एक्सपेंसिव स्पोर्ट। जो डाइट है दैट्स इट सेल्फ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और जब आप कंपेटिटिव हो जाते हो, पहले क्या था कि एक दो दिन डाइट नहीं भी ली इट्स ओके, बट अभी कोई एक दिन नहीं लेंगा तो पीछे छूट जाऊंगा वाला थॉट प्रोसेस है। तो एवरी डे डाइट इज एक्सपेंसिव। दिस बेल्ट इज 21,000। ऑब्वियसली जब आप खेल रहे हो तो चाहिए कि हर चीज़ बेस्ट हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ज़रूरी है, बस बता रहा हूँ। बेल्ट तो सस्ती से भी काम हो जाएगा। ये SBD की आई थिंक दिस वॉज ऑफ 7,000 और समथिंग। ये रिस्ट रैप 3-4 हज़ार के हैं, तो वही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। और अभी मैंने एक डेडलिफ्ट शूज मंगाई है, दैट वॉज ऑफ 5,000। ऐसा नहीं है कि पैसे कमा रहा हूँ मैं पावरलिफ्टिंग करके। बहुत लोग सोचते हैं अपने फ़ायदे के लिए कर लिटरली। और जो गेम खेलने जाऊँगा उसमें भी मेरा खर्चा हो जाता है 25-30 हज़ार, फ्लाइट, स्टे, सब कुछ। और मेडल ही मिलता है, कुछ प्राइज मनी नहीं मिलती। वही है कि आपका प्यार जो मिलता है कॉमेंट्स में, मैसेजेस में, मेरे को देख के डेडलिफ्ट करते हो, आई थिंक वही है पैसा। करेंसी वही है इस गेम की, मेरे लिए करेंसी वही है, वैल्यू वही है, कि मुझे वही चाहिए, और कुछ तो मिल नहीं रहा। Also turned up for the gym. This is what happens. One advice for you guys, many guys start valuing girls more than their friends. When that happens, you should start creating some distance with your friends. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt to all, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. There's one very good thing about me is बाहर की दुनिया में मेरे साथ जो भी हो रहा है, it doesn't affect here. जो सोच के आए हैं उसी वे में ट्रेन करता है। अगर तुम स्पोर्ट्समैन हो, एथलीट हो, तो वही करना पड़ेगा, क्योंकि पहले काइंड ऑफ अफेक्टेड बाहर की दुनिया का जो चल रहा है, वो लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हर किसी की चीज़ें चलते रहती है। बट अभी नहीं करता, अभी ये 2 घंटे डेडिकेटेड रहना है। वो बकचोदी नहीं चलेगी कि ब्रेकअप हो गया, इश्यूज हैं, जो भी हैं, वो नहीं चल सकता अभी। कॉम्पिटिशन में वो तो बोल नहीं सकते ना।
लास्ट में क्या लूं, 25 या 30? दो 30 लूं, 25 किलो ठीक है, जम स्क्वाट है तो दो 25 करेंगे लास्ट एंड फिर दो 50 लेंगे. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. बार पे 225 किलो लगा हुआ है, इसका एक सिंगल मारूंगा एंड सीधा 25 किलो जंप लेकर 250 अटेम्प्ट लूंगा. तो 225 इजी आना चाहिए, मतलब आरपी 6 से. समटाइम्स आई फील लाइक आई हैव एवरीथिंग बट स्टिल आई एम सो ऐसे ऑल द कंफर्ट तो नहीं, मतलब कर सकता हूँ आराम से, बट इतनी भूख इतनी ये बढ़िया चीज़ है कि मेरे अंदर भूख बहुत है. Take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that, face it. I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. ये ज़्यादा उठ गया था ना, सॉरी क्या ही बोलूँ, मतलब इट वॉज जस्ट नॉट माई डे. दिमाग में भाई कहने को तो कह दिया, अफेक्ट नहीं कर रही है बाहर की चीज़ें, बट पता नहीं शायद दिमाग में जो स्ट्रेस है लाइफ की वो है या फटीग है. सेकेंड ट्राई भी किया 250, थोड़ा जोर उठ जाता तो मैं निकाल देता, मुझे पता है, बट ऐसा नहीं आएगा यार, ये फटीग है या क्या मेंटल है, बिकॉज ईजी आना चाहिए यार. मैं 225 के बहुत बढ़िया रेप्स मार रहा हूँ आजकल, 225 पे 3, 225 पे 4, क्या ही बोलूँ यार. ऐसे तो 265, 270 मुश्किल लग रहा है. एक हफ्ते बाद वापस लूँगा यार, और वीडियो तो आएगी एक हफ्ते 10 दिन के बाद, फिर से लूँगा फ्रेश होके ये भसड़ हटा के लाइफ की. चलो यू नो द फीलिंग राइट व्हेन यू फेल द वेट. ऐसे तो नहीं कर पाऊँगा जो बोल रहा हूँ, तो एक हफ्ते 10 दिन बाद वापस लेंगे, देखते उसमें कैसा मूव होता है. रो दूंगा भाई, अब बंद करते हैं कैमरा. अभी ऐसा करते हैं जो बैकडाउन एक्सरसाइज है वो करते हैं, स्क्वाट कम वेट करके रेपिटेशंस करता हूँ, देखते हैं उसमें कैसा आता है. सॉरी भाइयों. ओह फक मैन चूत भाई, लोअर बैक पेन आया भाई, बहुत स्कैरी चीज़ हुई है, हल्का लोअर बैक पेन आया. तो अभी कुछ नहीं करेंगे जिसमें बैक इन्वॉल्व हो, एक दो दिन मुझे लग ही रहा था ज़्यादा फटीग हो चुका है. अभी ये नहीं होना चाहिए कुछ भी, आज का दिन बस भुलाना चाहूँगा यार. क्या यार, हाउ डू यू गाइज मोटिवेट योर सेल्फ इन डेज लाइक दिस हैपन, यही कह सकते खुद को, गुड डेज आएंगे बैड डे, मतलब हफ्ते में एक दो दिन तो चलता ही है, एक हफ्ते में मार भी दूंगा मुझे पता है. वही डिसअपॉइंटमेंट है कि मैं सब 250 ऐसे ग्राइंडर मारने नहीं आया था, 250 ईजी मारने आया, ग्राइंडर भी अभी तुम्हें कुछ नहीं होता क्योंकि बहुत बढ़िया रैप्स निकलते हैं 2-10, 2-20 पे, 2-20 पे तो 6-7 अच्छे रैप्स आ रहे हैं. चलो यार
I will not do anything just my back involved, so I'll train arms. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that failure, my head's on straight. Failure to have, but पता ही ऐसा लगता है बहुत लोगों को लेट डाउन किया कोच को खुद को तुम लोगों को जो बिलीव करते हो मैं पे इतना सीरियसली लेता हूँ यार मैं चीज़ें मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी मेरा गोल 270 ही है स्क्वाट पे मेहनत पूरे रगड़ के करूँगा क्योंकि बेंच मार दूंगा मुझे पता है डेडलिफ्ट भी मार दूंगा 305 तक तो मार दूंगा स्क्वाट बहुत ज़्यादा बढ़ानी है प्रॉब्लम यह है 5-10 किलो बढ़ानी नहीं है 15 किलो सीधा मतलब 240 था पीआर तो 270 30 किलो पीआर करना है देखते हो उसमें से कितना अचीव होता है टारगेट तो 270 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट के लिए खेल रहे हैं मजे मारने के लिए नहीं जाने वाले Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and it's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. So guys, ye thi aaj ki video. Aur ek hi cheez kehna hai, main girunga zarur, lekin ladna nahi chhodunga. Kyunki game obviously ziddi ka hai. Zidd bahut hai. Aaj gira, agle din uthunga. Ek hafte baad fir try hoga. Thank you so much. Bad day. But वो तो दिखाना है लास्ट 2-3 वीडियो सारे पीआर वाले ही थे तो आज तो नहीं हुआ पर ऐसा नहीं है हर दिन मारता हूँ हफ्ते 10 दिन में कभी एक बार जो अपना अटेम्प्ट रहता है वो लेते हैं तभी वीडियो बनाते हैं अपन आगे चल रहा है शेड्यूल से वही कि वीडियोस पहले की रहती है 10 दिन की तो थैंक यू सो मच थोड़ा डाउन हूँ पता वो आ नहीं रहा तो बहुत रात को भी सोचूंगा तो चलो बाय लव यू कीप हसलिंग एंड 3 महीने और लव यू ऑल